अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम का साग। और शलजम के साग के लिए हमें चाहिए 1.5 kg शलजम, जिसको हम लोगों ने बॉईल करके अच्छी तरह मैश कर लिया इस तरह से। एक प्याज जिसको हम लोगों ने काट लिया है, धनिया लिया है उसको हम लोगों ने काट लिया है, और दो हरी मिर्च लिए हैं जिसको ब्रिक ब्रिक कटिंग कर लिया है। 4 टेबल स्पून हम लोगों ने घी लिया है जिसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे प्याज और हरी मिर्च। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी, 1 चम्मच इसमें ऐड करेंगे नमक। मसाले को अच्छी तरह से हम लोग फ्राई कर लेंगे। जब तक प्याज ब्राउन नहीं हो जाता इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, तकरीबन 5 मिनट। मसाला हमारा फ्राई हो गया। अब इसमें ऐड कर देंगे वो शलजम जो हम लोगों ने बॉईल करके मैश कर लिए थे अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड कर देंगे 4 चम्मच चीनी। अब इसको तकरीबन 1/2 घंटा पकाएंगे। तकरीबन 1/2 घंटा हो गया, हमारा साग बिल्कुल रेडी है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम धनिया। इसको मीठा साग भी कहते हैं।